प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो हमारे जो क्वेश्चंस थे लास्ट मंथ में, 9 क्वेश्चंस कंप्लीट थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर का पूर्ण जो रूप है वो क्या है। ठीक है, तो सी से है कॉमनली। कॉमनली को अगर हिंदी में बोले हम तो आमतौर पर, ओ फॉर ऑपरेटर यानी कि संचालित, एम फॉर मशीन मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली विशेष रूप से, यू फॉर यूज्ड इन रिक्त होने वाली, टी फॉर टेक्निकल तकनीकी, ई फॉर एजुकेशनल शैक्षणिक, एंड आर फॉर रिसर्च अनुसंधान। यानी कि आमतौर पर संचालित होने वाली मशीन और विशेष रूप से प्रयुक्त होने वाली तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए। ठीक है, तो इसकी जो इंग्लिश में फुल फॉर्म वो भी है और हिंदी में किस तरह से इसको लिखना है वो भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी कंप्यूटर की फुल फॉर्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि संचय करने वाला जो उपकरण है उससे आपका क्या अभिप्राय है। द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन आर नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, द डिवाइसेस उपकरण दैट आर यूज्ड टू स्टोर डाटा, जो इस्तेमाल किए जाते हैं डाटा को भरने में, डाटा को स्टोर करने में, डाटा का संचय करने में, इंस्ट्रक्शंस निर्देशों को और जानकारी को, आर नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, जिन उपकरणों का इस्तेमाल डाटा को या इंस्ट्रक्शंस और जानकारी को भरने के लिए, संचय करने के लिए किया जाता है, उनको स्टोरेज डिवाइसेस के नाम से जाना जाता है। सच एज, जैसे कि सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एटसेट्रा। तो ये सारी की सारी जो भी डिवाइसेस हैं इनके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। डाटा मतलब ये डाटा इंस्ट्रक्शंस होगी और इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, उनको हम इन डिवाइसेस के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, अब देखने में पेन ड्राइव जो है हमारी इस तरह की होती है। ये देखो, ये हमारी पेन ड्राइव। ठीक है, ये हमारी डीवीडी। डीवीडी और सीडी देखने में एक जैसी ही होती है, लेकिन दोनों की जो डाटा को भरने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। ठीक है, और ये होती है हमारी हार्ड डिस्क। ये हमारी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी इन दोनों से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट आर दी मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी की इकाई या स्मृति की इकाइयां। ठीक है, मेमोरी को हम हिंदी में बोलते हैं स्मृति। ठीक है, याददाश्त। यूनिट्स मतलब इकाई। मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट। मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डाटा। मेमोरी यूनिट क्या है, डाटा की मात्रा है। That can be stored in the storage unit, जिसे storage unit के अंदर store किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है। This storage capacity is expressed in terms of bytes. This storage capacity, इस storage capacity को हम express करते हैं bytes के रूप में, byte के रूप में इसको प्रकट किया जाता है। ठीक है, capacity मतलब क्षमता, is expressed in terms of bytes, express मतलब प्रकट करना, in terms of bytes के रूप में, in terms of के रूप में। ठीक है, तो जो स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है, जो संचय करने की जो क्षमता होती है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है bytes के रूप में। समझ आ गया, मेमोरी यूनिट क्या है, डाटा की एक मात्रा है जिसे हम किसी स्टोरेज यूनिट के अंदर भरते हैं। दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, और उस स्टोरेज की कैपेसिटी को, उस डाटा के भंडारण की क्षमता को हम किस रूप में एक्सप्रेस करते हैं, बाइट्स के रूप में। ठीक है, हमारा डाटा किस रूप में स्टोर होता है, बाइट्स के रूप में स्टोर होता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट्स आर, अब ये जो इसके जो रूप है ना डाटा के, ये मेमोरी की जो यूनिट्स है, मतलब ये अलग अलग तरह की होती है और आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो सबसे छोटी आती है बिट। बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट, यानी कि 0 और 1 से शुरू होती है। ठीक है, बिट, बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल।
ठीक है, यानी कि जो बिट है ना, बिट बनता है 0 एंड 1 को बोलते हैं बिट, और 4 बिट का बनता है एक निबल। ठीक है, ये है मेमोरी की यूनिट्स, यहां से शुरू हो रही है। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा 8 बिट्स जो होते हैं वो इज इक्वल टू 1 बाइट। अब 8 बिट जो होते हैं वो बराबर होते हैं 1 बाइट। ठीक है, और 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के। ये 1024 बाइट जो हैं इनको मिलाकर जो बनेंगे बाइट्स वो होगा हमारा किलोबाइट। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद आती है हमारी मेमोरी यूनिट 1 MB की। ये 1 KB हो गया, ये 1 MB है। ठीक है, तो 1 MB बनता है हमारा 1024 किलोबाइट्स को मिलाकर। ठीक है, ये जो 1024 किलोबाइट हैं इनको मिलाकर हमारा 1 MB बनता है। मेगाबाइट के बाद आती है हमारी मेमोरी यूनिट गीगाबाइट। ठीक है, तो ये 1 GB होता है इज इक्वल टू 1024 MB के। अब 1024 MB जो वो मिलकर बनाते हैं 1 GB। ठीक है, फिर सेम वैसे ही अब 1 TB, देखो ना मेमोरी यूनिट ऐसे चलती हैं, बिट्स बाइट आ गया, बिट्स आ गए, बाइट आ गया, फिर किलोबाइट आ गया, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, उसके बाद आता है हमारा टेराबाइट, टेराबाइट का पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट। ठीक है, ये होती है मेमोरी, हमारी मेमोरी यूनिट्स। तो यहां तक किया था हमने, 1 GB जो होता है वो 1024 MB, यानी कि इनको मिलाकर बनता है हमारा 1 GB। ठीक है, और 1 TB आता है उसके बाद, 1 TB होता है हमारा 1024 GB के बराबर। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा पेटाबाइट। अब 1024 TB जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं 1 PB, पेटाबाइट के बाद आता है एक्साबाइट। ठीक है, अब 1024 PB जो है वो मिलकर बनाते हैं 1 EB। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जेटाबाइट, 1 ZB। ठीक है, अब 1024 EB जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं 1 ZB। ठीक है, उसके बाद आता है योटाबाइट, 1 YB। 1024 ZB अब मिलकर बनाते हैं 1 YB। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रोंटोबाइट। अब 1024 YB जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं 1 ब्रोंटोबाइट, 1 ब्रोंटोबाइट। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद आती है हमारी लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट, आती है 1 JB। ठीक है, अब 1024 जो है ब्रोंटोबाइट मिलकर बनाते हैं हमारा 1 JB। इसके बाद भी मेमोरी यूनिट्स बन चुकी हैं हमारी, आप लोगों ने ऐसे सुना होगा अभी तक, MB, GB, TB। ठीक है, उसके बाद देखो पेटाबाइट है, एक्साबाइट है, जेटाबाइट है, योटाबाइट है, ब्रोंटोबाइट है, जियोबाइट है, इसके बाद भी मेमोरी यूनिट्स बन चुकी हैं। लेकिन अभी मार्केट में जो है ज्यादातर टेराबाइट तक यूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़ी बड़ी जो हार्ड डिस्क होती है उनकी कैपेसिटी चली जाती है पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ब्रोंटो और जियोबाइट। ठीक है, तो ये देखो 0 और 1 से शुरू हुई हमारी मेमोरी यूनिट्स, उसके बाद 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल, 8 बिट इज इक्वल 1 बाइट, बाकी तो बिल्कुल सेम कन्फिग्रेशन है, बस यही याद रखना है कि KB, MB, GB, TB, BB, VB, ZB, UBV, ब्रोंटो बाइट, जियोबाइट। ठीक है, बस एक बाकी तो कॉन्फ़िगरेशन देखो सेम ही है, 1024 बाइट मिलकर 1 KB बना रहे हैं, फिर उसके बाद तो सेम ही है सारा का सारा। तो आज के लिए हमारे ये सारे क्वेश्चंस इतने ही काफ़ी थे, कल हम नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद, जय हिमाचल।